हेलमेट भी साथ में नहीं रखा था। 62-63 की एवरेज आई है, वाह। तो और सब नई बाइक ले है? बहुत नाराज लग रही थी, गलतियों के लिए माफ करो। बेबी सहन कर ले बेबी। गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटर रॉकी। आज है 18 दिसंबर और टाइम हुआ है 9:45। नो वी आर नॉट लेट, एक्चुअली मेरी मॉर्निंग तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी है, सुबह 7 बजे से। हम अभी जा रहे हैं अपनी ही एक साइट पे, जहाँ पर मैं सुबह 7 बजे में विजिट करके आया था, और अभी आदमी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो हमको भी वहाँ पर क्विकली पहुँचना है। और आज सुबह भी व्लॉग नहीं आया है क्योंकि कल शूटिंग ही नहीं की थी, कल पूरा दिन लीगल वर्क में चला गया, तो राइडिंग बहुत ही कम की थी और लीगल वर्क था इसीलिए हेलमेट भी साथ में नहीं रखा था। तो हाँ, कल के पूरे दिन शूटिंग ही नहीं किया था इसीलिए आज का व्लॉग नहीं आया। तो अभी हम फटाफट से जा रहे हैं अथवा गेट, और कल का जो लीगल वर्क था उसका भी थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी था, जो मैं अभी अभी सुबह फिनिश करके आया हूँ। और नाउ वी आर गोइंग टू आवर साइट। तो एक दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इट्स गुड टू बी विथ यू गाइस। चलिए, गाड़ी रिजर्व में आ गया है और काउंटर हुआ है 638। या 638 यानी -26 और गुड मैन, एवरेज तो काफ़ी अच्छी आई है। 26, ओह माय गॉड, समवेयर अराउंड 62-63 की एवरेज आई है, वाह बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, 62-63 की एवरेज आई है, वाह। अच्छा, अपना गाड़ी है तो काफी अच्छा। An hour later. चलिए, तो हम अभी जा रहे हैं ऑफिस, और उसके बाद यहाँ से भी एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, उसको भी रिपेयर करने के लिए जाएंगे। आज कौन सा दिन है? आज है सैटरडे, यानी कल होगा संडे, और कल हम वापस जाएंगे आउटर रिंग रोड पे संडे राइड के लिए। तो यस, आई एम एक्साइटेड। अरे यहाँ से कर दिया, यानी उस तरफ भी खुदना चालू हो गया, देखो खोद दो, सबको ही खोद दो हैं, चलो किसी को नहीं बख्शना है। क्या कोई साइको बैठ गया है SMC में? जो बस एक ही सीरियस, बस सबको खुद डालो, खत्म करो। कैसा लगा मेरा मजाक? किसी को नहीं चलाने देंगे, सबकी बाइक को खराब कर देंगे। क्या बाइक वालों ने पैसे दिए हैं मिल बांट के कि आप खुद डालो ताकि बाइक सबकी खराब हो और सब नई बाइक ले हैं? ऐसी लंबी कॉन्स्पिरेसी चल रही है क्या? One hour later. हम अभी ऑफिस से निकल चुके हैं और जा रहे हैं वही जो सुबह वाली साइट से जो इंस्ट्रूमेंट निकाला था उसको रिपेयर करवाने। किसी की वो बहुत बुरी तरीके से कंप्लेंट कर रही है। बहुत नाराज लग रही थी, हर कोई हर किसी से नाराज रहता ही है। ये बात अलग है कि किसी की नाराजगी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और किसी की नाराजगी बरसों बरस चलती है, और किसी की
मरते दम तक खत्म नहीं होती। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम सही है तो नाराज होना लाजमी है। आई डोंट नो मुझे ये चीज यहाँ ऑन कैमरा बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि हर किसी को माफ करो उनकी गलतियों के लिए, माफ करो। लेकिन हाँ, एक बार माफ करो, दो बार माफ करो। अगर वो सामने वाला पर्सन बार बार वही गलती सेम रिपीट करता है तब तो उसको साफ कर दो, क्योंकि वो पर्सन को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। वो जो कर रहा है वो उसी को सही लग रहा है, तो फिर भाई आपको सही लग रहा है तो आप सही रहो, लेकिन हम आपको साफ कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बार बार हुई गलतियों की माफ़ी नहीं होती है। मान लो एक बार गलती से गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। दूसरी बार भी वापिस सेम मिस्टेक, फिर भी अगर आपका डील बड़ा है तो दूसरी बार भी माफ़ कर दो। लेकिन अगर तीसरी बार भी वापिस से सेम मिस्टेक हो रही है तो बाद में वो सामने वाला पर्सन की वो आदत बन चुकी है। वो गलती नहीं है, वो उसके लिए आदत बन चुकी है, और आदत कभी भी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो बाद में उसको अपनी जिंदगी से ही साफ कर दो। अच्छा, हमको सिखा दिया है। That's it, आज का ज्ञान बहुत हो गया। राइडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अच्छे खासे नजारे का लुफ्त उठाएंगे। ये वही फ्लाईओवर है जो मैंने बताया था, जो बहुत सारे टर्न्स आते हैं बीच में, लेफ्ट राइट, और वो भी शार्प टर्न्स। तो ये वही फ्लाईओवर है, हम उसके नीचे से पास हो रहे हैं। देखा, मेन रोड पे भी खोद दिया है और अब ये हम वो जो एसी वाली बस होती है उसके ट्रैक में है। चलिए, ये भी अच्छा है, ऐसे ट्रैक पे कब चलाने को मिलेगा। अनलेस एंड अंटिल हम जानबूझ के अंदर घुस जाए तो, लेकिन हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। We must follow the traffic rules. After all, traffic rules are for our own safety. हमारी सेफ्टी के लिए ही तो ये ट्रैफिक रूल्स बने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकें। A little longer than a few minutes later. चलिए, हम यहाँ से निकल चुके हैं और जो इंस्ट्रूमेंट था उसको रिपेयरिंग में दे दिया है। अब एक दो दिन के बाद कॉल करेंगे। आज तो है सैटरडे, तो हो सकता है मंडे इवनिंग तक मिल जाएगा हमको, और उतनी देर तक उनका जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो निकाला था वो भी रिपेयर कर देंगे हम। हाँ, तो रोज देख के शायद आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ गया तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हम जा रहे हैं रिंग रोड पे, नॉट आउटर रिंग रोड, जो शहर के बीच में है रिंग रोड वो वाला। यानी हमको खींचने का पूरे पूरा मौका मिलेगा कि ये रोड बहुत ख़राब है और गलती से बहुत आगे की साइड रह चुके हैं। हाँ, फिर भी चल तो रहा ही है, आराम से आराम से। बेबी सहन कर ले, बेबी बेबी, मुझे मालूम है तुझे बहुत कष्ट हो रहा है ऐसी सड़कों पर चलाने के लिए। कोई बात नहीं, कल मजा लेंगे, ठीक है? आई प्रॉमिस यू दैट। कहाँ जाओगे कल, ये तो बताया नहीं। संडे राइड पे जाएंगे। थोड़ा देख ले भाई, बस थोड़ा सहन कर ले, कल हम जाएंगे संडे राइड पे। वहाँ पे तू भी अपने हिसाब से मजा ले लियो, मैं भी अपने हिसाब से मजा ले लूँगा, ठीक है? यानी कल हम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहेगा, लेकिन अभी के लिए संभाल लो भाई। Yo, baby, yo!
अच्छा साइड से निकाल लिया ट्रैफिक में से। अच्छा खींचा, मजा भी आ गया। 4 hours later अभी बजे 4:34 और कहने की जरूरत है क्या? समझ जाओ कहाँ जा रहे हैं। बस तो फिर वहीं पर ही जा रहे हैं। अभी थोड़ा क्रेविंग हो रही है स्पीडिंग करने की। और हाँ, रास्ते में और एक जगह पर जाएंगे, कुछ चीज़ है जो इंक्वायरी करनी है, अगर वो वहाँ पर नहीं मिली तो ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। और मैंने कहीं पे पढ़ा या सुना कि लोकल मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन मंगवाऊंगा तो तकरीबन डबल या ट्रिपल प्राइस मुझे पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन पे। तो एक ही शॉप है जो ये सब चीज़ों में डील करती है, तो वहीं पर जाएंगे अभी। और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर वी डोंट हैव एनी चॉइस, तो हम सीधा ऑनलाइन से ही मंगवा लेंगे। एक बार मिल जाए तो आपको भी बता देंगे। सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है। This kind of driving I want. सही है, ले लो। इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं तेज चलाता, आराम से लोग आते हैं। डीडी 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 क्षेत्रपाल दादा की जय। गुड इवनिंग माय लव। 2 hours later चलिए तो हम अभी निकल चुके हैं ऑफिस से, एंड वी आर हेडिंग बैक टू द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। टाइम हुआ है 7:15। ओके, और हम जो शाम को गए थे, जो मैंने बताया था कि अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर तो नहीं मिला। एक्चुअली था, लेकिन जो जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं था, सिंपल वाला था। लेकिन सिंपल वाला भी काफ़ी सस्ता था, और देखते हैं, मेरे ख्याल से तो अब सीधा अमेज़ॉन से ही मंगवाना पड़ेगा। चलिए तो इसी बात पे व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ID स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही रहा तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, ये टोटली फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली।